कैंट थाना अंतर्गत नदेसर के राजा बाजार इलाके में हुई 13 वर्ष की बच्ची की हत्या कर शव पानी की टंकी में फेंके जाने का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी आशीष उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वर्धा जोन चंद्रकांत मेड़ा ने इस घटना का खुलासा किया। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। आरोपी ने दुष्कर्म व हत्या के बाद किशोरी का शव पानी की टंकी में फेंक दिया था। घटना हुई है जिसमें 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची है। उसके परिजनों का कहना है कि 26 तारीख को रात के 8 बजे के बाद उनकी बच्ची घर वापस नहीं पहुंची है। 26 और 27 दो दिन उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे जानने के लिए, रिश्तेदारों के पास उन्होंने ढूंढा कि बच्ची मिल जाए। जब अपने प्रयास में असफल रहे तो थाने पर जाकर उन्होंने शिकायत की और उनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें टीमों का गठन किया गया जो आसपास के लोगों, स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही थी और कैमरे दिखवा रही थी। अगले दिन जो मृतका है उनके घर के पास एक अपार्टमेंट है, वहाँ से किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया कि उनके पानी की टंकी में डेड बॉडी मिली है और इस बात की पुष्टि हुई कि वही बच्ची की डेड बॉडी है। इसमें 9 टीमों का गठन किया गया। आसपास के एरिया के जितने कैमरेज थे उनको दिखवाया गया। इस बात की कैमरों के माध्यम से पुष्टि हुई। इसमें जो अभियुक्त है उनका नाम आशीष कुमार उर्फ गोलू है, जो मृतका के पड़ोसी हैं। वही उन्हें उस अपार्टमेंट में लेके गए थे और उस घटना को अंजाम दिया था। शिवपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 6 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी के आभूषण, चोरी के 5 मोबाइल, 6700 रुपये नकद और चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त लोहे की छड़ बरामद किया है। डीसीपी वर्ला जोन चंद्रकांत मेड़ा ने इसका खुलासा किया। गिरफ्तार अभियुक्त बनारसी लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत एड़े गाँव, अनिल वर्मा शिवपुर थाना अंतर्गत बिलवरिया के रहने वाला है। इनके अलावा 4 बाल अपचारी भी गिरफ्तार हुए हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपना मकान ताला करके बंद करके चला जाता था तो उसको सिब्बल से तोड़ के वहाँ पे, और ये वहाँ पे जो भी बेशकीमती जेवरात हैं उनको चोरी करते थे। और एक व्यक्ति है अनिल वर्मा जो कि सुनार है, शिवपुर का रहने वाला है, उसके यहाँ बेच देते थे। इनसे काफ़ी ज्वेलरी बरामद हुई है, कुछ नकद बरामद हुआ और जो है 5 अपने मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें से अधिकतर है जो सोना है वो कहाँ चला गया है, पूछताछ में पता चला है कि जो सुनार है इनमें से उसने सेम डे उसको पिघला के कई जगह बेच दिया है। इसलिए उनका पीसीआर लिया जाएगा और उनसे गहनता से पूछताछ करी जाएगी। संसद में ओवैसी द्वारा फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने पर काशी के युवाओं में आक्रोश है। वाराणसी मुख्यालय के बाहर शनिवार को युवाओं ने ओवैसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने ओवैसी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनका प्रतीकात्मक चित्र भी जलाया। इसके बाद उन्होंने एसीपी कैंट विद्युत सक्सेना को पत्रक भी सौंपा। उन्होंने हैदराबाद सांसद में ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। असुदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा दिया, जो संविधान विरोधी है, जो आर्टिकल 102 आर्टिकल 103 का विरोध कर रहे हैं। और मैं विपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि पूरे चुनाव में वो संविधान लेके पूरे प्रदेश में दौड़े हैं कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। और जब उनके सामने संसद भवन में एक नेता, एक संसद का सदस्य जय फलस्तीन और संविधान का विरोध करता है तो उस पर शांत बैठे रहते हैं। मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे अखिलेश यादव जी को विरोध करते हुए नहीं देखा। बीएचयू के डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम को बंद करने की खबर आने के बाद विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक और कर्मचारियों में भी भारी आक्रोश है तथा कुलपति के प्रति नाराजगी है। विश्वविद्यालय के बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है, छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्रों ने शनिवार को बड़ी संख्या में आक्रोश मार्च का आयोजन किया। छात्रों ने परिसर स्थित मालवीय भवन से लेकर सिंह द्वार तक आक्रोश मार्च किया, जिसमें हाथ में तख्तियां लिए थे, पोस्टर थे और उन पर नारे लिखे गए थे, जिससे उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने शनिवार को वार्ड जंगमबाड़ी एवं सरायनंदन में हो रहे विकास कार्यों तथा सीवर, जलकल एवं नाली की समस्याओं का स्थलीय निरीक्षण किया। विधायक के साथ में चल रहे जलकल एवं सामान्य निर्माण विभाग, नगर निगम के अधिकारियों एवं अभियंताओं तथा सभी समस्याओं का निस्तारण तत्काल करने का निर्देश दिया। जलकल को कुछ नई सीवर लाइनें डालने के निर्देश दिए एवं जाम की सीवर लाइनों को डिसॉल्टिंग के लिए कहा गया। सामान्य निर्माण विभाग को आने वाले त्योहारों के पूर्व गलियों की मरम्मत के निर्देश दिए गए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यूजीपीजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि एवं 1 सप्ताह के लिए बढ़ सकती है। प्रवेश समिति की मीटिंग में कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी इस पर मुहर लगा सकते हैं। उनके निर्णय के बाद आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है। काशी विद्यापीठ के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पहले 15 जून अंतिम तिथि थी, लेकिन समर्थ पोर्टल समय पर एक्टिवेट नहीं हो पाया। लंका थाना अंतर्गत रोहित नगर में 3 मंजिला मकान भरभराकर धराशायी हो गया। ये मकान घनश्याम सेठ का था। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसीपी भेलूपुर और एडीसीपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की भी टीम मौके पर पहुंची। मकान गिरने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर गलत तरीके से बोरिंग और सीवर का पानी गिरने से ये मकान दलदल हो गया था, जिसके कारण भरभराकर गिर गया। अगर बात की अनुमानता तो कितने का हानि घाटा हुआ, इनका कितना का नुकसान हुआ? 3 तल्ले का मकान है। मौजूदा स्थिति में जो भी लगता हो तो धीरे धीरे बनवाए होंगे। मौजूदा स्थिति में जो भी होगा देख लीजिए। अभी तो क्या किसी को घाव या कोई क्षति नहीं हुई है अभी तक? किसी की जान मान की हानि नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग तो चले गए थे, निकलवा लिया गया था। फिर हम लोग जब गिर रहा था तो हम लोग सामने ही खड़े थे। अब आँखों देखा, क्या बताएं, जो मंजर था वो भयानक था। कोई दिक्कत कोई नीचे अच्छा हुआ, कोई नहीं था जिसको हत नहीं हुई। बाकी जनहान की हानि नहीं हुई, बस सामान की जो हानि हुई। प्रशासन पहुंचा, पुलिस प्रशासन? सर, प्रशासन पूरे पहुंचे हैं, सब सहायता भी कर रहे हैं हमारे। और हमारे जो पासा चीज़ें जो हैं वो कायदे से हमारे मदद कर रहे हैं। वहाँ पर यहाँ पे लोगों को हटाने का काम और सब व्यवस्था करवा रहे हैं। तो ये कह लीजिए कि समस्या यही हुई कि जो है सीवर का पानी उसमें, सीवर के पानी और बोरिंग कराने की वजह से ये समस्या है, जिसके बारे में पटावदार मकान और जमीन था, जिसकी वजह से वो दिक्कत हुई। सावन में श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ेगा। ऐसे में मंदिर प्रबंधन ने भीड़ नियंत्रण की तैयारी शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए 2 और गेट तैयार होंगे। वहीं कॉरिडोर को 3 जोन में बांटकर भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल श्री काशी विश्वनाथ धाम में सावन में लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ेंगे। रोजाना लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आएंगे। ऐसे में भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती है। नगर निगम की कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शनिवार को टाउन हॉल में रिक्त पदों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कार्यकारिणी के लिए 6 सदस्य निर्विरोध चुने गए। उसमें सपा के 2 और भाजपा के 4 पार्षद चुने गए। नगर निगम कार्यकारिणी में सपा से पार्षद प्रमोद कुमार राय व अमरेंद्र देव यादव निर्विरोध सदस्य चुने गए और भाजपा की ओर से राजेश कुमार यादव, हनुमान प्रसाद, नरसिंह दास, सुशील कुमार नगर निगम कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित हुए। संगठन और जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमें सदन में भेजा है नगर के हित के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता पिछले कार्यकाल में क्या हुआ, इस बार जितने भी हमारे पार्षद चुन गए हो वो किसी भी दल के वो शहर के हित के लिए लगातार जो भी उनकी विफलता होती है, जो भी उनका विरोध होता है, जो भी बात होती है, उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होता है, वो अपने वार्ड। कमिश्नरी सभागार में वाराणसी के 28 मेधावी बच्चों को भी डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में धनराशि के साथ साथ टैबलेट, प्रशस्ति पत्र व मेडल का वितरण किया गया। इन सभी बच्चों ने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। टैबलेट पाकर छात्र छात्राओं में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। सभागार से बाहर निकलने पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। अपने बीच जिलाधिकारी को बच्चे भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस किए। जिलाधिकारी ने बच्चों को सफलता के टिप्स भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वो सम्मानित किया गया और टैबलेट वितरण किया गया। उसी क्रम में जनपद सर्वे जो जनपद में जो टॉप किए हैं उन बच्चों को किए गए हैं। और इसमें जो स्टेट लेवल के जो टॉप 5 रैंक है उसमें वाराणसी के भी 4 बच्चे इंटरमीडिएट के थे, उनको भी सम्मानित किया गया। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है और पैसे भी कुछ लगे थे? आज यहाँ पे टोटल 28 बच्चे थे जो इंटरमीडिएट और 10th के दोनों के उसमें। सर बात की जाए तो पैसे भी कुछ ₹1,00,000 का जो टॉप भी कितनी? नहीं, ये जो ₹1,00,000 जो टैबलेट के साथ जो स्टेट लेवल पे रैंक पाए हैं उनको वो धनराशि भी मिलेगी। और साथ साथ आज बेसिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके जो खाते में धनराशि की हस्तांतरण की गई।